हे ममाज एंड डैडीज, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे सवालों के जवाब जिनके बारे में ज्यादातर प्रीमेच्योर बेबीज के पेरेंट्स सोचते हैं। जब मेरा 24 वीक्स माइक्रो प्रीमी पैदा हुआ था तब मेरे दिमाग में भी यही सवाल घूमते रहते थे, क्या सारे ही प्रीमेच्योर बेबीज को लाइफ में काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं? सर्वाइवल रेट ऑफ प्रीमेच्योर बेबी। अगर आप इनके सिवा कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप मेरे 24 वीक्स माइक्रो प्रीमी की बर्थ स्टोरी जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वक्त से काफी जल्दी पैदा होना यानी प्रीमेच्योरिटी की वजह से बच्चों को लाइफ टाइम भी प्रॉब्लम रह सकती है। प्रीमेच्योर बर्थ किस तरह बेबी के ब्रेन को इफेक्ट करता है? प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। प्रीमेच्योर बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती हैं फिजिकल डेवलपमेंट में, सीखने में, कम्युनिकेट करने में, अपना ध्यान खुद रखने में और लोगों के साथ खुलने मिलने में। अगर प्रीमेच्योर बेबी के पैदा होते ही जल्द से जल्द अगर प्रॉब्लम को पकड़ा जा सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके तो इससे प्रीमेच्योर बेबी को बहुत ज्यादा हेल्प होगी हेल्दियर बेहतर लाइफ जीने में। हाउ अर्ली कैन अ बेबी बी बॉर्न एंड सर्वाइव? कम से कम कौन से वीक में पैदा हुआ बेबी सर्वाइव कर सकता है? यूजुअली 22 हफ्तों के बाद पैदा हुआ बेबी सर्वाइव कर सकता है। ऐसा बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है कि 22 हफ्ते से पहले पैदा हुआ बेबी सर्वाइव करेगा। ये इतना रेयर है कि एक बच्चा अलबामा में 5 जुलाई 2021 को 21वें हफ्ते में पैदा हुआ था और वो सर्वाइव कर गया और ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है। वो बेबीज जो 22 वीक्स पर पैदा हुए हैं हैव 28% चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अगर बच्चा 23वें हफ्ते में पैदा होता है तो 55% सर्वाइवल रेट है और अगर बच्चा 24th वीक पर पैदा होता है तो 60% सर्वाइवल रेट है और अगर बच्चा 25th टू 26th वीक पे पैदा होता है तो 75-85% चांसेस ऑफ सर्वाइवल है और अगर बच्चा पैदा होता है 27th वीक के बाद तो 90% चांसेस ऑफ सर्वाइवल है। एज और बर्थ वेट के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर बेबी के चांसेस ऑफ सर्वाइवल डिपेंड करेंगे। माँ की एज एंड हेल्थ, क्या प्रेगनेंसी और बर्थ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे? बेबी सिंगल बेबी था या फिर मल्टीपल बेबीज थे? सिंगल बेबी के चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होते हैं। क्या बेबी को किसी तरह की जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज थी? एज और बर्थ वेट के अलावा इन फैक्टर्स पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि बेबी के चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या रहेंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। क्या सारे ही प्रीमेच्योर बच्चों को जिंदगी में यानी बड़ा होने के बाद हेल्थ प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? ममाज एंड डैडीज, इवन माइक्रो प्रीमीज मतलब बेबीज जो पैदा हुए हैं 22 वीक्स से लेकर 26 वीक्स के बीच में, उनका भी बहुत अच्छा फाइटिंग चांस होता है और सारा क्रेडिट जाता है टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मेडिकल सिस्टम को। एक स्टडी में जिसमें रफली 11,000 एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबीज पर रिसर्च की गई थी यानी 22 वीक्स से लेकर 26 वीक्स तक के बच्चों पर रिसर्च की गई। रिसर्चर्स ने इन बेबीज को ऑब्जर्व किया एट द एज ऑफ 2 years। उन एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबीज में कम से कम आधे बिल्कुल ठीक थे या बहुत ही माइल्ड डिसेबिलिटी थी और 29% में मॉडरेट डिसेबिलिटी थी एंड ओनली 21% ऑफ देम हैड सीवियर डिसेबिलिटी लाइक सर्बरल पाजी, अंधापन एंड न्यूरोलॉजिकल डिले। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए इस चैनल को ग्रो करने में। प्रीमेच्योर बेबीज जो पैदा हुए थे 28 वीक्स से लेके 32 वीक्स के बीच में, उनके सर्वाइवल के चांसेस एक्सीलेंट हैं और उनमें से 90% को या तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा या फिर बहुत ही कम प्रॉब्लम होगी। मामाज एंड डैडीज, मेरा एक माइक्रो प्रीमी चैनल इंग्लिश में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लॉट ऑफ लव टू पेरेंट्स एंड देयर बेबीज।